हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोगों ने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक एनालिसिस, कोई भी आप बुक देखोगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या है, मैथमेटिक्स का यूजेस है। तो मैथमेटिक्स का यूजेस किस लिए है, इकोनॉमिक्स को इजी बनाने के लिए। तो हमेशा एक चीज आपको माइंड में जो रखनी है कि हम लोग इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मेन हमारा टॉपिक जो है इकोनॉमिक एनालिसिस है, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को, प्रोडक्शन फेज को एनालाइज करना, कंजम्पशन प्रोसेस को एनालाइज करना, तो मेन यहाँ पे एनालिसिस का बात है। लेकिन उसके लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो अभी हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन बेस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़े डिफरेंशिएशन का, जो भी इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो, तो उन सारे में जैसे इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड में आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना जरूरी था। तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है पहले हम लोग बेस बना लेते हैं, फिर हम लोग एनालिसिस पे मूव करेंगे या फिर एप्लीकेशन पे मूव करेंगे। सो ये सेकेंड वीडियो होने जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर पावर के रूप में दिया गया हो, मीन्स एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में दिया गया हो, देन व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन। व्हेन डिफरेंशिएशन बोलने का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से समझिए। डिफरेंशिएशन बोलने का मतलब होता है, ये फंक्शन के टर्म में रिलेट किया गया है कि अगर कोई भी एक फंक्शन में चेंजेस आ रहा है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंजेस इन द अदर फंक्शन। अगर x में थोड़ा सा चेंज किया गया है, देन व्हाट विल बी द चेंजेस इन द y। इसको बोला ऐसे जाता है, द चेंजेस इन y ड्यू टू चेंजेस इन x, रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन x। तो हम लोगों ने तीन फॉर्म, तीन पैटर्न का डिफरेंशिएशन या फिर वैल्यू पता करना सीखा था। सबसे पहला हम लोगों ने सीखा था, अगर कोई फंक्शन x टू दी पावर n के फॉर्म में रहे तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे लिखते थे, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। दूसरा था, अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको डिफरेंशिएशन करने बोले, जैसे आपको y इक्वल टू फाइव दे दे बोले, dy बाई डी एक्स पता कीजिए, तो हम लोग इसका वैल्यू जीरो होगा। कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का यहाँ पे अगर a दिया रहता, तो हम लोग अगर a का डिफरेंशिएशन करते डी बाई डी एक्स ऑफ a, देन इसका भी वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट बात क्या हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन का पावर n है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो पावर को बाहर ले जाना है और उसके पावर में एक घटा देना है। अब थर्ड फॉर्म हम लोगों ने देखा था, अगर y का फॉर्म है a का पावर a इंटू एक्स टू दी पावर n, तो यहाँ पे a क्या है, a इज कॉन्स्टेंट हियर, so you have to take out a out from it। जब भी आप dy by dx निकालोगे तो a को बाहर लेते जाना है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, dy dx of x to the power n, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे x to the power n वाला। तो ये बेसिक चीज, ये बेसिक फॉर्म हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज कुछ नए फॉर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते रहो। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तभी इस वीडियो को देखें, तो उससे एक कंटिन्यूटी बनेगा और पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो आपको ग्रेजुएशन के सिलेबस में पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे मूव करते हैं, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप प्लीज उसको एक बार चेक कीजिए और उसको एक बार देखिए, उससे आपको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आज नए पैटर्न का डिफरेंशिएशन सीखते हैं कुछ। तो सबसे फर्स्ट पैटर्न जो अभी हम लोग देखने वाले हैं वो है एडिशन रूल। एडिशन रूल में क्या बोलता है कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा कितने भी टर्म का आपको डिफरेंशिएशन करना है, दो रहे तो ठीक है, दो से ज्यादा भी रहे, सिंपली अगर बीच में साइन है और आपको दो अलग अलग टर्म का, टर्म को आप ऐड कर रहे हो और उसको डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, तो बोलता है आप इंडिविजुअली दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। इसका बोलने का मतलब क्या है, अगर एक को हम लोग यू सपोज करें, दूसरे को भी सपोज करें, तो
dy by dx अगर हम लोगों को निकालने बोल रहा है तो dy by dx जो होगा वो differentiation of u with respect to x plus differentiation of v with respect to x हो जाएगा. इसको simplify करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, d by dx of u के जगह जो value हम लोगों ने suppose किया, suppose कीजिए x square plus 4, v के जगह हम लोगों ने जो value suppose किया, suppose कीजिए x plus, यहाँ पे क्या है तो x plus 2. अब इसको फिर से individually तोड़ना है हर एक टर्म, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में आपको सिंपली ये याद रखना है कि जितने भी टर्म आ रहे हैं सारे को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट आउट कर दो. तो यहाँ पे एक टर्म क्या है x स्क्वायर, तो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 4 प्लस d by dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ 2. इस तरह से आपको जितने भी टर्म आ रहे हैं अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो सिंपल प्रोसेस कैरी करते चलिए, सिंपली सारे टर्म को आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो d by dx ऑफ x स्क्वायर, अभी हम लोग कल लास्ट वीडियो में देखे थे कि अगर पावर है तो क्या हो जाता है, पावर बाहर हो जाता है और एक पावर घट जाता है, तो 2 x का पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो x का पावर 1. d by dx of 4, 4 is a constant so the differentiation of 4 with respect to x will be 0. d by dx of x, तो x को x के respect में जब भी कोई variable को उसी के respect में किया जाता है तो उसका value 1 होता है. इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए, ये d by dx आपको क्या बता रहा है, ये आपको बताता है rate of change in y due to change in x, जितना x में change आया है उसके कारण से y में कितना change आया है. तो यहाँ x और y सेम ही है, जितना x में change आया होगा उतना x ही में आया होगा, मतलब यहाँ पे कोई y नहीं है, यहाँ पे y is equal to x है, तो जितना इसमें आया होगा उतना x इसमें आया होगा. तो जब भी एक दूसरे के means variable same है और आप उसी variable का differentiation उसी के respect में निकाल रहे हो तो उसका value 1 हो जाता है. अगर d by dy और differentiation of y रहता तो उसका value भी 0 हो जाता है. dy of y is equal to 1, dy dz of z is equal to 1. आपको देखना है अगर नीचे में variable same है ऊपर में variable same है then जिसके respect में आप कर रहे हो अगर वही ऊपर में variable है then उसका value 1 हो जाता है. तो यहाँ पे d by dx of 4 0 हो गया, d by dx of x 1 आ गया और फिर d by dx of 2 that is equal to 0. तो इसको simplify करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x plus 1. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, चाहे addition हो या फिर subtraction हो, यहाँ पे मैं subtraction नहीं बताया बट इसको लिख लीजिए subtraction, either subtraction. आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन रहा है तो बीच में माइनस सारी जगह लगा लीजिए. हम लोग इंडिविजुअली फिर एक बार देखेंगे सब्ट्रैक्शन का भी. तो अभी समझने के लिए समझिए, जितने भी टर्म आ रहे हैं आपको सारे का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है. तो ये बेसिक चीज था. देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उधर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाते हैं. लास्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिया था मैंने, आई होप कि आप लोगों से बन गया होगा, अगर नहीं बना होगा तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से. चलिए पहला क्वेश्चन जो है, y इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 15x, ठीक है. और आपको ऐसा बुक में दिया रहेगा कि y नहीं दिया रहे या कुछ नहीं दिया रहे, तो आपको एज्यूम कर लेना है. आपको यहाँ पे सबसे पहला चीज यही होता है जो मैंने वीडियो में बताया था लास्ट वीडियो में कि आपको यहाँ पे वेरिएबल मानना है दैट y इज इक्वल टू दिस. अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना दे दे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे y इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन, एक यहाँ पे वेरिएबल लेना है, दिस इज इक्वल टू दिस. अब हम लोगों को क्या क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है, dy by dx, ठीक है. तो dy by dx निकालने के लिए y को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड y का वैल्यू क्या है, 16x स्क्वायर प्लस 15x. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d by dx ऑफ
इंडिविजुअली सारे टर्म को करना होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 16x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 15x। इसको क्या लिख सकते हैं, 16 इज अ कॉन्स्टेंट ही है, सो 16 बाहर आ जाएगा। पहले थर्ड फॉर्म को याद कीजिए पहला वीडियो का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 15 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, 16 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 15, यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 32x प्लस 15 इंटू 1 इंटू एक्स का पावर 0 और उसका वैल्यू 1, तो 32x प्लस 15। बस यही याद रखना है, आपको कितना भी टर्म दे रहे सारे को सिंप्लीफाई करना है, जितने भी टर्म आ रहे हैं, जितने भी एडिशन के बाद जितने भी टर्म आ रहे हैं, आप इंडिविजुअली सारे एलिमेंट को बस डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई इज इक्वल टू 3x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम इसका बोल रहे हैं हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स पता कीजिए। अगर हम लोग इसको जेड सपोज करते तो डिफरेंशिएशन करते तो क्या हमें मिलता है, डी जेड बाई डी एक्स। तो नेम आप कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन में सिंपली क्वेश्चन इज इक्वल टू इतना दिया होगा, बोलेगा आप इसका डिफरेंशिएट करो इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम सपोज करना है, आप जेड इज इक्वल टू मान लो, वाई इज इक्वल टू मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी मानोगे वो यहाँ पे हो जाएगा। तो डी जेड बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जेड का वैल्यू पुट करेंगे, जेड का वैल्यू कितना है 3x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इज अ कॉन्स्टेंट हियर, बाहर लेते चले जाना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट दैट विल बी इक्वल टू 0। पहला प्रॉपर्टीज फर्स्ट वीडियो का, ये क्या हो जाना है 3 इंटू 4 x का पावर, एक पावर कट जाएगा तो x का पावर 3 प्लस 2 इंटू एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 12x क्यू प्लस 2x, राइट। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाते हैं। बस आपको यही समझना है, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, जितना भी टर्म एडिशन में सारे को डिफरेंशिएट कर दो, 3x 4 को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, 1 को डिफरेंशिएट कर दो। और बेसिक आपको आना चाहिए, 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर हो जाएगा, x का पावर 4 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स का पावर 3। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो रिकॉल करो आपने जो पढ़ा था 12th में, वो आपको कुछ कुछ याद आ रहा है या नहीं, बस वो याद आ जाएगा, पूरे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स आपका इजी हो जाएगा एंड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिकॉल करना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसको डील कीजिए, बिकॉज आपको बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ना है, पार्शियल डेरिवेटिव बहुत बड़ा बड़ा है, तो उसमें अगर डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं रहा तो फिर वो टॉपिक बहुत ही मुश्किल है समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टू दी पावर 5 प्लस डी एक्स टू दी पावर 3 प्लस ई एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5। जस्ट समझिए बात को, कुछ नहीं, यहाँ पे जितने भी टर्म एडिशन में है मैंने क्या बोला, सारे को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स टू दी पावर 5 प्लस डी एक्स टू दी पावर 3 प्लस ई एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5। इंडिविजुअली मैंने बोला सारे, इसका मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट को डी वाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ सी एक्स टू दी पावर 5 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ
dx to the power 3 plus dy dx of ex to the power 4 plus dy dx of, ऐसे आपको सारे एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट का डिफरेंशिएशन करना है. d by dx ऑफ a उसका वैल्यू क्या हो जाना है, जीरो, बिकॉज a इज अ कांस्टेंट हियर. एंड जब भी हम लोग कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू जीरो हो जाता है. इसमें देखिए b कांस्टेंट है सो वी विल टेक आउट b आउट आउट एंड वी विल डिफरेंशिएट. यहाँ पे x बच जा रहा है तो d by dx ऑफ x. इसमें फिर c कांस्टेंट है, c को बाहर ले जाइए, d by dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस d बाहर ले जाइए, d by dx ऑफ x टू द पावर 3, e बाहर ले जाइए, d by dx ऑफ x टू द पावर 4 एंड d by dx ऑफ सिंपली x टू द पावर 5. देखिए जीरो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, अगर वेरिएबल ऊपर में सेम है नीचे में भी सेम है तो उसका वैल्यू कितना आता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, 1 प्लस सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, तो 5 बाहर आ जाएगा पावर में है और एक पावर घट जाता है तो 5 में एक घटेगा 4 हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4. इसको देखिए d इज अ कॉन्स्टेंट हियर एंड d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू सो द पावर इज क्यू, तो यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई में लिख देना और पावर में फिर एक घटा देना है 2. e 4 बाहर आ जाना है पावर और पावर एक घट जाएगा तो x का पावर 3. यहाँ पे क्या होगा पावर 5 बाहर आ जाएगा और एक पावर घट के 4 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, b प्लस 5 सी एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 डी एक्स टू दी पावर स्क्वायर प्लस 4 ई एक्स टू दी पावर क्यू प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4. So this is the answer that we will get, right? I hope आपको समझ में आ रहा होगा. इसमें basic अब बस ये समझना है, basic क्या समझना है, जितने भी term है इसको सपोज कीजिए u है, v है, u plus v plus a plus c plus d plus e, ये सारे term को आपको सिर्फ individually क्या करना है differentiate कर देना है, d by dx of u, d by dx of v, d by dx of a, सारे टर्म को डिफरेंशिएट कर दीजिए. फिर जैसे डिफरेंशिएशन होता है जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द दैट विल बी द फाइनल वैल्यू. सो आई होप आपको समझ में आ गया हो. सो व्हाट इज द बेसिक एडिशन प्रॉपर्टीज, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके एक सम अप करके समझ लेते हैं कि कोई एक फंक्शन दे दिया है y इज इक्वल टू, जिसमें u है, v है, c है, b है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है तो एडिशन क्या बोलता है, एडिशन रूल कि अगर आपको dy by dx निकालना है तो आप सिंपली dy dx ऑफ सारे टर्म कर दो u प्लस v प्लस c प्लस d. इसका मतलब क्या हो गया कि आप dy dx ऑफ u निकालो प्लस dy dx ऑफ v निकालो, dy dx ऑफ c निकालो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डी निकालो, जो आंसर होगा फाइनल दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये इन सारी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाला खुद से बनाइएगा एंड आई होप कि बन जाना चाहिए. और नया नया क्वेश्चन आप खुद से बनाओ, जितना मैथ बनाओगे उतना मजा आएगा, उतना समझ में आएगा, उतना अच्छा लगेगा, वरना आपको ऊपर से पार हो जाएगा, आपको लगेगा मेरे को सब आ रहा है. तो मैथमेटिक्स में एक ही रूल लागू होता है कि प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होना, अगर कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा कुछ दिन में. तो चलिए ये एडिशन रूल था, अब सब्ट्रैक्शन रूल हम लोग देखते हैं रफली. जो अभी हम लोगों ने एडिशन देखा तो सब्ट्रैक्शन भी जस्ट उसका वाई है. सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है कि आप इंडिविजुअली सारे को सब्ट्रैक्ट कर दो. सपोज कीजिए यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 16x स्क्वायर ना रह के माइनस 15x रहता, जहां जहां प्लस है वहां माइनस ऐड कर दीजिए, यहां पहले से माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, यहां पे भी माइनस कर लेते हैं, a माइनस बी एक्स ए जस्ट क्वेश्चन में माइनस ऐड कर लीजिए सारे प्लेस पे,
सॉरी माइनस है यहाँ पहले से, ठीक है। तो जस्ट एडिशन का भाई है सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या बोलता है, इंडिविजुअली सारे टर्म जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका डिफरेंशिएशन कर दो तो फाइनल हम निकल के आ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन रूल भी यही बोलता है कि माइनस में है कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी टर्म है सिंपली उसको डिफरेंशिएट करो। सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं y इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 15x, तो डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 16x स्क्वायर माइनस, अगर वहां यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस माइनस रहे तो माइनस, बस यही डिफरेंस है, माइनस d by dx ऑफ 15x। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, so it will be equal to 16d by dx of x square minus 15 is the constant, so बाहर हो जाएगा d by dx of x, right? तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होके 16 into 2x, because 2 power है तो power बाहर कीजिए, एक power घटा दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे x है और नीचे में भी x है तो ये 1 हो जाना है। इसको क्या लिखेंगे 32x माइनस 15, ठीक है। तो अंतर कहाँ पे आया, यहाँ पे बीच में माइनस था तो बस माइनस है, लेकिन प्रोसेस सेम है एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन की, इंडिविजुअली एलिमेंट को हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, dy by dx हमें निकालने बोल रहा है, तो क्या होगा d by dx ऑफ y, y का वैल्यू पुट कर दीजिए 3x पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, dy by dx ऑफ 3x टू दी पावर 4 माइनस d by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस d by dx ऑफ 1, ओके। So, इसको 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाना है d by dx of x to the power 4 minus d by dx of x square, तो 2 into x, पावर एक घट जाएगा 2 से कम हो जाएगा माइनस 0। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 into 4 का पावर 4 x cube minus 2 x minus 0, 12 x cube minus 2 x, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, वहां पे बताया गया है कि कैसे पावर रहे तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थोड़ा सा भरा है, लेंदी है, बट आप देखोगे इजी है, बिकॉज जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो कंसेप्ट एकदम छोटा है कि सारे का हमें डिफरेंशिएशन करना है, सारे एलिमेंट जो आ रहे हैं। वाई इक्वल टू सपोज कीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स का पावर 5 माइनस डी एक्स क्यू माइनस ई एक्स 4 माइनस पावर 5, सो व्हाट विल बी द डी वाई बाई डी एक्स हियर, वो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ होल वैल्यू ऑफ वाई, ए का वैल्यू पुट कर, वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वाई का वैल्यू क्या है ए माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स का पावर 5 माइनस टी एक्स क्यू माइनस ई एक्स 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5, राइट। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, इंडिविजुअली सारे एलिमेंट को डिफरेंशिएट करना है, d by dx of a माइनस d by dx of bx माइनस d by dx of c का cx का पावर 5 माइनस d by dx of dx का dx क्यूब माइनस d by dx of ex4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कॉन्स्टेंट है इसका करेंगे तो 0 डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स, तो b इज अ कॉन्स्टेंट हियर सो आउट बाहर कर लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 माइनस d बाहर कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 माइनस e कॉन्स्टेंट है तो बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 माइनस बी
x का पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 पावर है बाहर, x का पावर 4 माइनस बी 3 एक्स स्क्वायर माइनस ई 4 एक्स का पावर क्यू माइनस 5 एक्स टू द पावर 4. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 5 बी एक्स का पावर 4 माइनस 3 डी एक्स का पावर स्क्वायर माइनस 4 ई एक्स का पावर क्यू माइनस 5 एक्स 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीवाई बाय डीएक्स. तो बेसिक कंसेप्ट बस उतना ही है. आज आप देखे होंगे कि कुछ नया चीज मैंने आपको नहीं बताया. दो चीज बताया कि अगर फंक्शन में प्लस दिया हुआ है बहुत सारा, तो प्लस जितना दिया हुआ है जो भी जितने भी टर्म है हर एक प्लस और माइनस एक नया टर्म को कंस्टिट्यूट करता है. ये तो आपको शायद बेसिक पता होगा. तो जितने भी टर्म कंस्टिट्यूट हो रहे हैं ड्यू टू दैट प्लस माइनस, आप सारे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपको जो वाई का है उसका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू निकल जाएगा. माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन रहने दीजिए, आप इंडिविजुअली सारे को कर दीजिए. तो बेसिक आज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे और उसमें बस इतना ही देखे कि अगर वाई का वैल्यू यू प्लस वी प्लस डी प्लस सम एनीथिंग दिया है और अगर हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन डीयू बाय डीएक्स प्लस डीवी बाय डीएक्स सारे इंडिविजुअल टर्म का कर देंगे डी बाय डीएक्स ऑफ डी. अगर यहां पे माइनस रहता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, यहां पे माइनस हो जाना था, यहां पे माइनस हो जाना था. मेन कंसेप्ट इतना है कि आपको सारे एलिमेंट का करना है. तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए पूरा एंड आई होप आपको पसंद आया हो. तो बनाइए पूरा क्वेश्चन को, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे. आज नहीं बता रहे हैं बिकॉज बहुत फॉच हो जाएगा. और पूरा क्वेश्चन बनाइए, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको जितना से ज्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ, बट उतना भी नहीं हो पाता तो आप खुद से बनाया कीजिए. और नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन और डिविजन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस है पूरे डिफ्रेंसिएशन का, तो उसको मिस मत कीजिएगा. सो टेक केयर एंड बाय, अपना ध्यान रखिये.